आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मुस्कान के साथ। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटका की खबरों से। विजयपुर जिले में कल रात हुई भारी बारिश के वजह से गिरकर ढेर हुई शाहपुर दरवाजे की बड़ी इमारत। ये इमारत शाहपुर बेस के पास में थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इमारत गिरकर ढेर हुई है। यहाँ के लोगों द्वारा डीसी को निवेदन पत्र भी दिया गया था। तसली की बात तो ये है कि यहाँ कोई जानमान का नुकसान तो नहीं हुआ है, पर कभी भी हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के जान का नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे। हमारा सवाल है, आखिर ऐसे शाही इमारतों की मरम्मत कब की जाएगी किसी की जान जाने के बाद। मैं मोहम्मद रफी मजाक, मैं सार्वजनिक से बात कर रहा हूँ कि हमारे इमाम कभी से सिनेमा में दुबई में रुका करके 15 साल से देखते आ रहा हूँ, वो कोई केयरलेस नहीं किया आज तक। और मैं सुबह भी 6 बजे जाकर पकड़े जाए तो भी वो केयरलेस नहीं किया। साहब अभी साहब का नंबर पूछने गए थे, वो साहब का नंबर देने के उनके वर्कर नहीं दे रहे मुझको। अभी मैं साहब को बुलाऊँ, इमीडिएटली बुला कर बोले तो भी वो उनके वर्कर नहीं बुला रहे। इसके पीछे क्या हादसा है, क्या है राज की बात मुझे समझ नहीं। जब बाहर जैसे गवर्नमेंट से पैसा आता है ये इमारत खातियों को दुरुस्त के लिए, तो पैसा आए कि नहीं मुझको मान नहीं, लेकिन पब्लिक को कुछ भी धोखा नहीं होना चाहिए। कुछ ले गए रात में 11:30 बजे रात में हादसा हुआ। अब फिर भी सुबह भी ये पड़ेंगे दीवार पड़ेंगे, बोल हम जाके कंप्लेंट दिए। ये कल रात के 10:30 बजे गिर गए। हाँ, यहाँ पर रात में कल बारिश हो रही है, अच्छा हो गया लोग चले गए। हाँ, वरना कुछ भी धोखा हो सकता था। यहाँ पर तमाम लोग बैठे थे इधर यहाँ पर, और रात के 10:30 बजे गिरने की वजह से ये हो गया। अभी भी वैसा हो गया, ये कब गिरता मालूम नहीं। अब वो चट्टा गोल निकाली।